NP24 न्यूज टीवी डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर पाली से। बेटे ने गृह कलेश के चलते पिता की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने 5 साल के बेटे के साथ तालाब में कूदकर सुसाइड कर लिया। वह पिता को पत्नी से हुए तलाक का दोषी मानता। इसी को लेकर पिता से झगड़ा हुआ था। मामला पाली के जैतपुर थाना क्षेत्र के कोलथाना गांव का बुधवार रात 9 बजे का है। पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम देवासी ने बताया कि कोलथाना के प्रकाश पटेल उम्र 30 वर्ष का 2-3 दिन पहले अपनी पत्नी से सामाजिक स्तर पर तलाक हुआ था। इसके लिए वह अपने पिता दुर्गाराम पटेल उम्र 65 वर्ष को दोषी मान रहा था। बुधवार को झगड़े के दौरान प्रकाश ने गुस्से में अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर अपने 5 साल के बेटे राहुल पटेल को लेकर गांव के तालाब में कूद गया, जिससे डूबने से दोनों की मौत हो गई है। करीब 4 घंटे बाद गुरुवार सुबह 3 बजे दोनों शव तालाब से निकाले गए। परिजनों के आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जैतपुर SHO राजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने दुर्गाराम पटेल की मौत की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचा तो पता चला कि बेटे और पोते को गांव के तालाब की ओर जाते हुए देखा था। ग्रामीणों के अनुसार तालाब में व आसपास करीब 3 घंटे के दौरान सर्च किया गया। इस दौरान पानी में बच्चे का शव ऊपर आ गया। इसके बाद दोनों के शवों को अंधेरे में तालाब से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रकाश तलाक के बाद से मानसिक रूप से काफी परेशान था। पाली से संवाददाता भवानी सिंह बागावास की रिपोर्ट।